जय माता दी। मैं चंदन तिवारी, आज दशाश्वमेध बनारस के काशी घाट पर मेरा तंत्र पाठ हुआ, जो कि धनेश्वर महाराज जी हमारे गुरु आकर के हमसे मिले हम और मिल करके हमारा तंत्र पाठ हुआ। आपका तंत्र काटा तो आपको कैसा लगा? तंत्र पाठ हुआ तो हमको बहुत अच्छा है, हमारा शरीर भी बहुत सही है। इसके लिए मैं पहले कैसा था? पहले कुछ तबियत खराब जैसा मरा रहता था हमेशा, जब से तंत्र पाठ हुआ चले हम सही हैं। इसके लिए हमारा सौभाग्य है कि हमारे गुरु जी का दर्शन हुआ और उनकी कृपा रहेगी, माता रानी की कृपा रहेगी, तो इसी तरह हमारे गुरु जी का दर्शन होते रहेगा। इसके लिए हम बहुत खुशी रहे। जय माता दी। ईश्वर महाराज जी को जानकर एक फेसबुक में खोजे, लेकिन दिनेश्वर महाराज जी से नहीं मिल हुआ। वो दूसरा फ्राडिया आदमी था, वो दिनेश्वर महाराज का डीपी लगाकर और उनका पूरा बायोडाटा डाल दिया है, जो कि अकाउंट नंबर से लेकर नाम गांव अपना पूरा चीज बदल दिया है। क्या तुम दिनेश्वर महाराज? वो दिनेश्वर महाराज नहीं है, वो लूटने खाने वाला है। मेरे को बोला बाबू पैसा डाल दो, हम उसको जाने कि महाराज जी हैं। अकाउंट नंबर दिया, हम उनको सेंड कर दिए। एक रुपया सेंड किए तो बोला बाबू आ गया है। और जब 2096 रुपया उनको सेंड किए, सक्सेसफुल का मैसेज दिए, रसीद दिए, तो बोल रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं आया है। हम बोले नहीं, पैसा तो चल गया है, पूरा डिटेल्स दे रहा है वो दुकान वाला अपना अकाउंट का। बोले नहीं आया है। तो हम बोले कि हम लोग बहुत गरीब परिवार के, हम लोग बनारस जा रहे हैं। तो बोले ठीक है जाओ। बोले हमको 5100 रुपया लगते हैं महाराज जी, आप 2100 में कर रहे हैं। तो बोला बाबू तुम गरीब आदमी हो, इसलिए तुमको हम 2100 में कर दे रहे हैं। जाओ, ज़्यादा बात नहीं करो, जल्दी डालो, नहीं भी जानते नहीं हो, हम दुर्गा माता का वार छोड़ देंगे तुम्हारे ऊपर। तो हम बोले कि नहीं नहीं गुरु जी, ऐसा नहीं कीजिए, हम तो जान रहे कि महाराज जी हैं हमारे सच में। अब वो मेरे को धमका दिया, हम उनको पैसा डाल चुके। फिर हम यहाँ पे आए तो हम उनको खोजते कि अब तो एड्रेस देंगे। बोल रहे हैं नहीं बाबू, अब तुम घर जाओ, तुमको 2 दिन के बाद हम कॉल करेंगे, तुमको कॉल पर हम ठीक कर देंगे। हम बोले ऐसा पहले बताना चाहिए हम लोग का। 2 दिन हम यहाँ पे पूरा घूमे महाराज जी को खोलते, महाराज जी मिल जाए, लेकिन महाराज जी तो यहाँ पे थे ही नहीं, वो फ्राडिया आदमी था, तो महाराज जी मिलेंगे कैसे। खोलते हम लोग घर को चल गए। वहाँ पे जाकर फिर मैसेज किए उनको, तो वो मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। हम बोले कि अब हमारे गुरु जी मिल गए हैं, आप मेरा जो पैसा लिए हैं वो मेरे को वापस कर दीजिए। तो फिर मैसेज नहीं। फिर हम लिखे 2 दिन का आपको हम टाइम दिए हैं, गुरु जी बोले हैं मैसेज कर दो, 2 दिन में पैसा दे दो, अभी तुम जानते नहीं हो। कोई मैसेज नहीं, कितना भी हम मैसेज डाले उनका कोई रिप्लाई मेरे को नहीं आया। आज हमारे गुरु जी दिनेश्वर महाराज जी से हमको भेंट हो गया। हम लाइव में वीडियो देखे थे तो वो बोले थे बेटा इतना तारीख को, 18 तारीख को 1:45 से हमारा कार्यक्रम चालू होगा काशी घाट पे। हम लोग यहाँ पर आकर बैठकर खोज रहे थे महाराज जी को, महाराज जी मिले और हमारा बिना पैसा का 1 रुपया बिना लिए हम लोग को ठीक किए। और हम लोग का पूरा जो करना चाहिए तंत्र काट विद्या का विधि विधान के अनुसार हम लोग को ठीक किए हैं। खुशी से महाराज जी हम लोग को 1 रुपये का भी नहीं कुछ बोले कि हमको 1 रुपया दो बेटा, हमको जो अपने से खुशी सरदार से हुआ 10-20 रुपया महाराज जी को मैं दिया हूँ। माता रानी के चरण लोग भी महाराज जी को नहीं दिए, हम चढ़ाए हैं महाराज जी ने 1 रुपया नहीं मांगे हैं। बोले बेटा तुम लोग को मैं फ्री में ठीक करूंगा, जो फ्राइडिया किया है उसको करने दो, तुम हमारे पीछे हो, हम तुमको फ्री में ठीक करेंगे। और हमको इतना झार फूंक महाराज जी कर दिया, हमको ठीक भी कर दिया। जय माता जी। पैसा का कोई डिमांड हम लोग को नहीं किया कि नहीं इतना पैसा दो, वो तो फ्राइडिया आदमी था, हम लोग को 2100 रुपया। चलो ठीक, जय माता।